असल अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे as in नफस्यात आपको पता है कि किसी भी मुल्क की बैक बोन की रखती है, to select the right man for the right job, हमारा बेसिक मोटिव होता है कि लोगों को aptitude, उनके एप्टीट्यूड उनके इंटरेस्ट उनकी एबिलिटीज और उनके पोटेंशल के मुताबिक सेलेक्ट किया जाए तो सनती नफस्यात किस्म के टेस्ट और इंटरव्यूज का सहारा लेती है ताकि हम लेकर पर्सनलिटी के डिफरेंट टेस्ट तक मुश्तमिल है इसके जरिए हम लोगों की जॉब परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है और अभी हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजीज या टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं सकते हैं सबसे पहले जो टेक्निक है वो है इंटरव्यू इंटरव्यू क्या होता है? कि face -face और इसमें हम जॉब के हवाले से लोगों से सवाल करते हैं गैर साख्ती इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले ने पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए होते ठीक है बल्कि डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हम प्रोव करते हैं कि हमने उससे किस किस्म की चीजें पूछनी है ठीक है हम उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में भी जान सकते हैं मुलाजमत उसकी पिछले जो उसने मुलाजमत की है उस हवाले से भी सवाल किए जा सकते हैं ठीक है उनसे अलहदे अलहदा सवाल होते हैं क्योंकि सवाल पहले से तय शुदा नहीं होती जबकि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चन पहले से ही सेट होते हैं तय शुदा होते हैं और उनकी स्कोरिंग भी ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड होती है फिर उसके बाद पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए भी हम बहुत सारे टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें फाइव फैक्टर मॉडल है ठीक है फाइव फैक्टर मॉडल में एग्रीएबलनेस आ जाता है आ जाता है न्यूरोटिसिज्म आ जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस आ जाता है और कॉन्शियसनेस आ जाता है सबसे पहले क्या है न्यूरोटिसिज्म न्यूरोटिसिज्म से मुराद फर्क का एक, एक, एक ऐसा रुझान है जो कि नाखुशगवार रिजानात का आसानी से तजर्बा करता है यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ये चांस है कि आप जल्दी नेगेटिव इमोशंस का शिकार हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर न्यूरोटिक टेंडेंसी ज्यादा है आप आप जल्दी जल्दी अगर अगर डिप्रेस हो जाते हैं आप जल्दी अगर मायूस हो जाते हैं आप जल्दी जो है वो नाखुशगवार फील करने लगते हैं तो इसके मुताबिक आपकी न्यूरोटिक टेंडेंसी ज्यादा है फिर नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वर्जन इसका मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ खुल मिल कर रहना पसंद करते हैं आपको तनाही अच्छी नहीं लगती आप जो है वो लोगों के साथ आ, मिल बैठ कर और महफिल में रहना पसंद करते हैं एग्रीबलनेस का मतलब ये है कि ऐसा रुझान जिसमें फर्द दूसरों के साथ मुखालफत की बजाय मोहब्बत को तरजीह दे और लोगों से डिसएग्री ना करे बल्कि उनके साथ मोहब्बत से पेश आए तो उसको हम एग्रीबलनेस कहते हैं कॉन्सेंटियसनेस का मतलब ये है कि फर्द का ऐसा रुझान जिसमें फर्द खुद शनाज फर्श शनाज खुद पर कंट्रोल करने वाला और जिस मकसद के लिए वो जिंदगी में कामयाबी चाहता है उसके लिए कोशिश करने वाला और कॉम्पिटेंट हो ओपननेस एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि कैसा रुझान जिसमें फर्ज नए ख्याल और दा, दा, दानशमंद तजर्बात को पसंद करता है और उनसे खुशी हासिल करता है यानी अपने आप को नई चीज़ें करने के लिए नई चीज़ें सीखने के लिए हर वक्त हम तैयार रखते हैं कॉन्सेंटियस कॉन्सेंटियसनेस का एक ऐसा फैक्टर है जिसका जॉब की कारकर्दगी के हवाला से बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और ये फैक्टर जो है वो इंसान के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आता है इंसान सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है वो फिर तवज्जो देने लगता है हर फैक्टर के ऊपर अटेंशन टू डिटेल देता है और उस बंदे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ठीक है इसके अलावा जो है वो मेंटल एबिलिटी के भी टेस्ट हैं जैसे कि जानत के टेस्ट हैं स्टैंड फॉर बीने वेज है इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा जानत की दो किस्म की वो जानत जिसमें फर्द मसाइल का हल अपनी जिंदगी के सबका तजर्बात और मौजूदा काम को सीखते हुए करता है और इन दोनों की मदद से मसाइल का हल निकालता है फ्लूड इंटेलिजेंस का क्या मतलब है ये वो है जो कि गैरी तरीकों अनलर्न मैथड्स का इस्तेमाल करती है और जो हमने पहले से नहीं सीखा होता बल्कि हमारे लिए कोई चीज़ नहीं होती और नए तरीके से हम उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको ऑनफ्लूड इंटेलिजेंस कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि जैसा कि जानत की पैमाइश में आई क्यू को लिया जाता है इसी तरीके से जज्बाती और जानी जानत भी एक इम्पोर्टेंट है जो फर्द में फर्द की मुलाजमत में कारकर्दगी की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जज्बाती हिजानी जानत ऐसी काबिलियत है जिसमें फर्द अपने आप को और दूसरे के हजन को मुनजम तौर पर और कंट्रोल में रखता है ये टेस्ट नए हैं मगर मुलाजमत में कारकर्दगी और मुतमिन होने की पैमाइश के लिए हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं फिर हम पूरा बायोडाटा लेते हैं उसका पूरा बैकग्राउंड लिया जाता है उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है फर्द के बारे में तमाम हिस्ट्री ली जाती है कि उसने पहले कौन कौन सी जॉब की हैं उसकी फैमिली की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है फिर उसकी साइको मोटर एबिलिटीज को चेक किया जाता है कि उसकी कैसी हैं, क्या उसकी फिजिकल एबिलिटीज और मोटर एबिलिटीज जो है वो साउंड है ठीक है उसकी हर की महारतों को जाना जाता है उसकी हाथ आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन कैसी है इसके अलावा जो है हथौड़े का इस्तेमाल अगर करना है तो वो क्या वो सही तौर पर कर सकता है बारीक छोटी अशिया का इस्तेमाल अगर करना है तो क्या वो उनको सही तौर तो पर इस्तेमाल कर सकता है नफसी की इमारतों के साथ साथ सनती सतह पर जिसमानी हर की किरदार अदा करती हैं जैसे कि भारी सामान उठाना पाग पाग कर काम करना ऐजाइल होना एक्टिव होना ठीक है खुशनुदी से और खुश दिली से काम करना तमीरी कामों में भी देखने में आई है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता है सी में या कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है तो वहां भारी सामान उठाना होता है इसलिए अगर आपकी फिजिकल और मोटरबिलिटी साउंड है तो ये आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं फिर वर्क सैंपल है इस आजमाइश में ये देखना होता है कि वो फर्ज इसलिए मुलाजमत के असूल के लिए दरखास्त दी हुई है क्या उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो ये काम कर सके ठीक है और वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप जो उसको काम सौंपा गया है वो करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और तमाम लोग जो ग्रुप में उस वक्त मौजूद होते हैं उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर अपनी कन्वर्सेशन करनी होती है या फिर कोई आपको टास्क दे दिया जाएगा और उसमें कोई लीडर नहीं होगा और आप लोगों ने मिलजुल कोऑपरेटिवली उस टास्क को हल करना होता है इससे मुराद ये है कि इसमें देखा जाता है कि अगर एक ग्रुप को कोई अहम काम सौंप दिया जाए मगर ग्रुप में कोई लीडर ना चुना जाए तो क्या ग्रुप किस तरीके से काम करेगा क्या वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे क्या उसमें कोई लीडर उभरेगा या कोई लीडर का किरदार संभाल लेगा या उसको ऐसे अदा करेगा कि उसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटीज मौजूद हैं फिर रोल प्लेइंग एक्सरसाइज से मुराद ऐसी माश्रा है जिसमें फर्ज से कहा जाता है कि वो कोई ऐसा किरदार जो खुद को सौंपे और उस किरदार की बदौलत मुलाजमत के हवाले से अगर कोई नापसंदीदा सूरत हाल हो तो वो उसको किस तरीके से मैनेज करेगा ठीक है और इसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई भी अनफॉर्चीन या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है या कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जो ना खुशगंवार हों तो उस हाल में इंसान किस तरीके से जो है वो अपना बिहेवियर रखेगा तो उसको हम रोल प्लेइंग एक्सरसाइज के जरिए चेक कर सकते हैं फिर इन बास्केट टेक्निक में आपको मुख्तलिफ काम एक बास्केट के अंदर डाल के दे दिए जाते हैं आप उनको चुनते हैं और फिर उस काम को करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी मौजूद है या नहीं है क्या आप मल्टीटास्कर हैं या नहीं है क्या आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं है मगर काम है है, इन कामों को दिए वक्त में मुकम्मल करना है हर काम का एक ही तक है कि उस काम को वक्त में खत्म करना है इससे फर्द की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी का पता चलता है वो किस तरह दूसरों के साथ मिलकर काम करता है और, और, और फर्द से कहा जाता है कि वो तहरीर करे किसूरतल में वो क्या कैसे काम करेगा और इस सूरत को वो किस तरीके से खत्म करेगा फिर जॉब नॉलेज टेस्ट है ये टेस्ट जांच करता है कि फर्द के पास कितना है और वो जिस शोबे में काम करना चाहते है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन कितनी है इसके पास सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं ठीक है ठीके? और वो क्या वो उन चीज़ों का इल्म रखता है जैसे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना चाहिए तो उसको क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तमाम चीजों का इल्म है या नहीं है फिर वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट है ये टेस्ट फर् के अंदर मुख्तल पेशों के रुझाना की पेमाइश करते हैं इन टेस्टों से पता चलता है कि बंदे के अंदर किस चीज़ का एप्टीच्यूड क्या है या नहीं है एप्टीट्यूड क्या होता है वट एन इंडिविजुअल कैन डू कोई इंसान क्या कर सकता है और इससे हमें ये वाज तस्वीर मिल जाती है जब हम एप्टीट्यूड मुख्तलि अप्लाई करते हैं कि बंदे के अंदर किस चीज़ का एप्टीट्यूड ज्यादा है फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज नोन एज अप्रोचेज इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ठीक है अब हम अप्रोचेस की बात करेंगे तो अप्रोचेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल uh, अप्रोच आ जाती है साइकोलॉजिकल अप्रोच में ये देखते हैं हम कि किस तरीके से डिफरेंट के काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स एलिमेंट्स हैं वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं सनतों में जो मसाइल जन्म लेते हैं इनका अहम इधर करते हैं और जो वो सामने आते हैं उसमें इंतजामिया आ जाती है यूनियन आ जाती है और मलाजमिन आ जाते हैं अगर इनका आपस में ताल्लुक मजबूत हो तो किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और अगर इनके दरम्यान तदम तो हो जाए तो हम दो एक दूसरे को मनफी तौर पर इधरा करना शुरू कर देते हैं और बाज एक ग्रोह या इरादा का इरादा या नीयत मस्बत होती है लेकिन दूसरा ग्रुप उसको नेगेटिव समझता है इस मसले की बुनियादी वजह शायद तालीम की कमी या फिर आमदनी की कमी बनती है इसके अलावा और भी बहुत सारे आ, फैक्टर्स हैं जो कि मसाइल या के प्रॉब्लम्स का सबब बनते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनते हैं जिनमें सबसे पहली चीज क्या है कि आपस में ट्रस्ट डेफिसिट होता है हम एक दूसरे के ऊपर अतमाद नहीं करते हमारी रबते की कमी होती है ठीक है हम सही तौर तो पर एक दूसरे से रबता नहीं करते हमारी वैल्यूज जो हैं वो सही नहीं होती इसके अलावा हमारे बिलीवस हमारी रवायात हमारी शख्सी और ग्रोही मकासद ताकत का असूल समाजी मैार और इसके अलावा शनाख्त और सिक्योरिटी वगैरह के मामलों जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनते हैं जो कि मलाजमिन और इंतजामिया के दरमियान प्रॉब्लम का सबब बन सकते हैं सनती अमन इसी सूरत में मुमकिन है अगर तमाम ग्रोह एक दूसरे से मुनासिब रवैये से डील करें और एक दूसरे को मस्बत तौर पर हैंडल करें फिर सोशलॉजिकल परस्पेक्टिव है सनत अपने सेहत के अतबार से एक समाजी दुनिया है वहाँ पे मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं ठीक है और अफराद के जो रवैये होते हैं उनकी जो इधराक है उनकी जो ज़रूरियात हैं उनकी जो बिलीफ हैं जो रवायात है, हैं जैन तब्दीली है और समाजी मैार है उसमें अगर हम एक दूसरे को कबूल करेंगे तो ये जो है वो सनतें आगे चलेंगी और सनत ग्रो करेगी क्योंकि सनत माशरा नहीं होता इसके कुछ कामानी कायदे माशरे से हट कर होते हैं इसलिए हमने माशरे की तरह ही इसको फंक्शन करना होता है क्योंकि सनत भी आखिरकार का हिस्सा है और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी किसी माशरे से ताल्लुक रखते हैं ट्रांसपोर्ट की सहूलती है सहूलियात अगर बेहतर हों रिहायशी कॉलोनी बनी हुई हों समाजी आमदो रफ्त हो और रोज़मर की अशाज़रियात के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है इस वजह से सनत जो है वो एक माशरे की सूरत जो है वो टाल जाती है जैसे ही सनत तरक्की करती है तो सोशल पैटर्न का जहूर होता है और ये पैटर्न फिर डिफरेंट किस्म की नई टेक्निक्स को यूज़ करता है जो कि मलाजमिन को इंसानी जराए को कैसे मैनेज हैंडल करना है और यही राज है कि अगर सनत में ताल्लक बेहतर होंगे तो सनत भी तरक्की करेगी फिर ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच है इंसानी तल्लत का वजूद ही इसीलिए है कि इंसानी ज़िंदगी कायम रहे इंसानी ज़िंदगी आज़ादी चाहती है राह दही की आज़ादी ख्याल को बयान करने की आज़ादी अपनी मर्जी से काम करने की अपनी मर्जी से घूमने की आज़ादी मगर जब सनती मुलाजमीन को ये नहीं दिया जाता उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट होना या तसादम होना और परेशानी की सूरत हाल पैदा होना कॉमन है सन्नती सतह पर अगर इंतजामिया पर प्रेशर डालेगी तो जारी बात है मुलाजमीन उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तसादम तो की सूरत में टेंशन जन्म लेगी मलाजमीन एहतजाज करेंगे मजामत शो करेंगे और यूं एक नया मकानिज्म जो है वो जन्म लेगा जिसकी वजह से सन्नती सतह पर नई तंजीमें पैदा होती हैं मगर कुछ अरसे बाद वो सारी इंडस्ट्री को अपनी लपेट में ले लेती हैं यहाँ पर इंतजामिया को चाहिए कि वो जमेदारी का मुजाहरा करे और मामला को सही में लेकर आए ठीक है यहाँ पर माहरीन नफसियात और दूसरे जो लोग हैं वो मिलकर मामला को दुरुस्त मत में लाने में अहम किरदार अदा करते हैं तो सादम या मसाल उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक इंतजामिया ये ना समझे कि जो लोग वहां पर काम करते हैं उनकी बुनियादी जरूरिया क्या हैं और उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है और किस तरह से उनके अंदर इंटेंसिक मोटिवेशन पैदा की जा सकती है कि वो दिल से काम करें और अपनी कारकरी को बेहतर से बेहतर बना सकें